aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyununda. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi la? Laftan anlamaz. Zamanla aram pek iyi değildir. Kendimi şanslı sayarım yine de. Yalnız kalmakla ilgili bir sorunum yok. Ama yakınlarda olsun nefesi sevdiğim birinin. Zaman nefes almakla geçen günlerdeyim. Birinin aklında olmakla ilgili biraz. Ve hayatın kum saatini sen değil. Senin yakındaki tutar o kadar. Zamanında benimle kal, gitme bu gece, yanımda kal. Zamanında benimle kal, gitme bu gece, yanımda kal. Saymam kendimi yine de. Göçüp gitmekle ilgili sorunum yok. Ama kalbinde olayım sevdiklerimi. Hayat nefes almakla geçen günlerdeyim. Sonumuzun farkında olmakla ilgili biraz. Ve hayatın kum saatini sen değil. Biriktirdiğin anılar tutar o kadar. Zamanında benimle kal. Gitme bu gece, yanımda kal. Zamanında benimle kal. Gitme bu gece, yanımda kal. Coffee. Thank you.
काफी गर्मी है ना? वो तो है। नींद सही से नहीं आ रही थी? अपने बेड पर ही ठीक से नींद आती है, इसीलिए शायद नहीं आ रही होगी। हाँ ऐसा होता है। वैसे पिलो और ब्लैंकेट के लिए थैंक यू, मैं सो रही थी तब आपने डाला होगा। ओ, वैसे इसमें शुक्रिया किस बात का है? मैं तो हमेशा से अपने मेहमानों का पूरा ख्याल रखता हूँ। ठीक है हाथ, मैं सोने जा रहा हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छी कुक नहीं हूँ फिर भी मैंने कोशिश की है। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस आपकी एम्प्लॉय हूँ जो अपने बॉस का ख्याल रखना जानती है। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, कितना अच्छा दिन है। ओह, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, खुद काम करके अपनी पहली तनख्वाह से उसने ये सब खरीदा हमारे लिए। ऊपर वाला तुम्हें खुशियाँ बख्शे। मेरे पास भी इसके लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज है, ये तो उसका हक है। जरूर है, जरूर है। क्या है वो? पता नहीं, हमने ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? तुम्हारे बच्चों का बाप, तुम्हारे घर को संभालने वाला हमारा प्यारा दामाद और तुमसे मोहब्बत करने वाला शौहर। फिर से वही। मुझसे उलझने के बजाय पहले सुन तो लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये तो पूछो कि आखिरकार वो खुशकिस्मत नौजवान है कौन? है वो खुशकिस्मत नौजवान कौन है आंटी? वो जेंटलमैन, खूबसूरत नौजवान, हमारा दामाद और हयात का होने वाला शौहर है कैरम। कौन कैरम? तुम्हारा कजिन कैरम? तुम्हारे कजिन्स है ही कितने? कैरम नाम के तुम्हारे कितने कजिन्स हो सकते हैं? तुम्हारा कैरम नाम का कोई कजिन है क्या एपेक? हाँ है, कैरम, जो ड्राइवर है। ड्राइवर? हाँ वही कैरम। देखो दीदी, मैं समझ गई, वो दोनों पहले मिले नहीं है। अगर दोनों पहले मिले हुए होते तो जरूर दोनों में कोई कनेक्शन बन जाता और हयात हमें मना नहीं कर रही होती। वो जरूर यही कहेगी, देखना जब उससे मिलेगी। हाँ यही कहेगी। हैं? इन्हें क्या हुआ?
ओ लड़कियों, जल्दी से चाय बना कर लाओ, जाओ। मैं अभी बना कर लाती हूँ। ये खबर सुनकर खुशी से भूख मिट गई। हयात, तुम्हारे पास 5 मिनट है? हाँ हाँ बोलो। बात यह है कि मुझे इपेक से प्यार हो गया है, एकदम सच्चा वाला प्यार। जानती हूँ। देखो शायद मैं कुछ बड़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ वो मुझे देखे। पर वो हमेशा गुस्सा करती है, हमेशा चिड़ी हुई रहती है, मेरी तरफ देखती भी नहीं। पर मैं हार नहीं मानूंगा, जब तक वो मेरे प्यार को कबूल ना कर ले मैं कोशिश करता रहूंगा। समझ रही हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जब मैं उससे मिलने जाता हूँ तो मुझे कितनी खुशी महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसकी लैंड लेडी और एमिने आंटी से मिला था, मुझे दोनों ही बहुत अच्छी लगी। वो कितनी समझदार है पता है तुम्हें? पता नहीं क्यों आसला ने मुझे इपेक का कजिन बना दिया। पर कोई बात नहीं, बाद में हम उन्हें सब सच बता देंगे। ना प्लीज, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करनी पड़ेगी हयात, रहा नहीं जाता। क्या करूं, उससे इतना प्यार जो करता हूं, पर वो इश्क की बात समझती नहीं। उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करूं, उसके घर के सामने सो जाऊं? तुम पागल हो गए हो क्या? या फिर मैं जाकर उसे किडनैप कर लेता हूं। वैसे मैंने उसकी लैंड लेडी को भी बता दिया कि मैं इपेक से प्यार करता हूं। लगता है उसके मॉम डैड से भी बात करनी चाहिए। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है। ओके, तुम बस सही वक्त का इंतजार करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हारे लिए इपेक को किसी तरह मना लूंगी। क्या सच में? मना लूंगी। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। सच में ना? Yes! ये कॉन्सेप्ट तैयार करने का काम बहुत मुश्किल था, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैंने कल सारे घर वालों को भी बता दिया कि जब तक ये काम खत्म नहीं होता हम घूमने नहीं जाएंगे। उन्होंने प्लान कैंसिल भी कर दिया। अब चलो जो डिजाइन देखे उन्हें फिर से देखते हैं। रुको 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 मेरे भाई, थोड़ा रिलैक्स करो, तुमने ऐसे कभी काम नहीं किया, सुबह ही ऑफिस पहुंच गए। मेरे दिमाग में ना कई सारे ख्याल दौड़ रहे हैं भाई, मैं उन्हें रोक नहीं सकता। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, शायद मैं पागल हो रहा हूँ। ओहो, आज का दिन काफी अच्छा है। देखो अजीम सुल्तान भी कॉल कर रही है। गुड मॉर्निंग मोहतरमा। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, अच्छा दिन गुजरे तुम्हारा, तुम्हें सारे जहाँ के खुशियाँ मिले, तुम बहुत तरक्की करो। सुबह सुबह इतना प्यार बरसाने की वजह? अरे ये तो तुम्हारा हक है बेटा। मैंने कुछ किया है क्या? बेटा तुमने मुझे खुश कर दिया उस लंबी भूरी ऊँटनी को रिजेक्ट करके, आफत की पूड़िया है वो। ये आप कह रही हैं? कल उसे घर पर बुलाया था उसको परखने के लिए, मैंने उससे कुछ सवाल पूछे, वो तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। क्या 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 दादी जान, दादी जान, अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपको उसका नंबर कहाँ से मिला? मैंने ढूंढ लिया कहीं से। दादी जान, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपना काम करो। आप ख्याल रखिएगा। अब तुम्हें क्या करना चाहिए पता है? आखिरी दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अब तुम नहीं बचोगे। अरे अरे भाई, आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो फिर कैसा है, हमेशा यही करते हो तुम। अरे ये मैंने आपके लिए किया भाई, वरना आप दादी जान को चुप नहीं करा सकते थे। वो दीदान से मिले बस यही एक रास्ता था, और रिजल्ट आपने देखा ना, देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ। यार दुरुग तुम भी ना। इपेक वो बहुत सीरियस है, तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ है, कहाँ मिलेगा इतना प्यार करने वाला? मुझे परवाह नहीं, सामने आएगा तो मार डालूंगी। यार तुम क्या चाहती हो मुझसे हया? अब क्या मैं उस पागल कैरम से शादी करके 3-4 बच्चे पैदा करूं? बताओ। हाँ, ये मेरे बारे में नहीं है इपेक मैडम, उसे प्यार हो गया है तुमसे। कह रहा था कि तुम्हारे मॉम डैड से जाकर बात करेगा वो। और तुम उसकी जान लेने पर तुली हुई हो, क्या किया है उसने ऐसा? यहाँ तो झूठे और मक्कार भरे पड़े हैं, कैरम तो बिल्कुल वैसा नहीं है, उसका दिल तो पानी की तरह साफ है, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। असल अब तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा उस पागल मुच्छड़ की परवाह करने लगी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम लोग लड़ना बंद करो। देखो इपेक, मैं जानती हूँ उसका पीछा करना तुम्हें पसंद नहीं है, पर मुझे नहीं लगता वो हार मानने वाला है। तो उससे ऐसे ही बेवजह लड़ने की बजाय तुम उससे बात क्यों नहीं करती, समझा क्यों नहीं देती? सही कहा। I know, अगर पसंद नहीं है तो जाकर उसे बोल दो, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कैरम बहुत अच्छा लड़का है,
खुद परेशान हो रही हो, उसे परेशान करियो, ऊपर से हमारा सर भी खा रही हो। क्या तुम इमेजिन कर सकती हो मेरा सपना पूरा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रोल, सब ठीक जा रहा है, मैं जल्द ही मुराद की दुल्हन बनूंगी। बेवजह हवा में उड़ना बंद कर दो। मेरी प्यारी सहेली हयात, पता है कल क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ कैसे पता होगा दीदी? कल मुझे मेरी दादी सास ने उनसे मिलने बुलाया था, मतलब मुराद की दादी जान। हम पूरा दिन साथ थे, उन्हें मेरे और मुराद के बारे में पता चला, इसलिए उन्होंने बुलाया। सच कह रही हो? हाँ। कांग्रेचुलेशंस। ये तो शादी का पहला स्टेप होता है ना? हयात, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ये बहुत ही अलग एहसास है, पता है कितनी खुशी होती है जब आप अपने प्रेमी के घर वालों से पहली बार मिलते हो। ये मुझे कैसे पता होगा? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट है। तो तुम क्या तुम रो रही हो हयात? देखो बताओ। ओ, टुवाल देखा तुमने? हयात मेरी शादी की खबर सुन के खुशी से रोने लगी है। तुम्हारा ये ड्रामा बंद करो और उसे यहाँ से जाने दो, वो फाइल पहुंचानी है। जाओ। टुवाल मैम सही कह रही है, मुझे ये फाइल्स पहुंचानी होंगी, मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं हयात, हम बाद में बात करेंगे। बाय बाय डार्लिंग। ये फाइल्स आपने मंगवाई थी, यहां पर रख दो। और कोई काम है मुझसे? क्या किया तुम्हें? क्यों पूछ रहे हैं आप ऐसे? तुम काफी अपसेट लग रही हो, लग रहा है जैसे अभी रो दोगी। आपने मेरे लिए उतना सोचा, इसके लिए थैंक यू मुराद सर, पर यह आपके बारे में नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहती हूँ। आंखें फूट गई है क्या? जरूर मुराद सर से गुस्सा है, और मैडम मुझे को तेवर दिखा रही है। क्या चाहिए तुम्हें चाला? मुझे यहाँ अपनी सेफ्टी के लिए लाइफ इंश्योरेंस चाहिए मुराद सर। गलती से हो गया, बोलो क्या है? देरी है मैम, और निजात सर आपसे मिलने आए हैं, और वो लोग आपका कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कहो मैं अभी आता हूँ। और इसका मैं क्या करूँ मुराद सर? ठीक है समझिए, कुछ पूछा ही नहीं। अब ये न्यूज़पेपर अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना? इपेक का कॉल? सच में? ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली? हेलो इपेक। हेलो कैरिम। इपेक, यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मैं ये पल कभी नहीं भूल सकता, आज का दिन तो मैं भूल ही नहीं सकता। शाम के 6:45 मिस इपेक ने इस नाचीज को कॉल किया था। बकवास बंद करो, नहीं तो मैं फोन रख दूंगी कैरिम। तो कैरिम, तो क्या आज हम मिल सकते हैं? क्या कहा? फिर से कहो। क्या आज हम मिल सकते हैं? तुम बस कह के तो देखो जान, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा इपेक। होश में आ जाओ,
हम बस बात करने वाले हैं, समझ गए? और कुछ नहीं। मैं इस पल का इंतजार कब से कर रहा था। बस इतना बता दो कि कब और कहाँ मिलना है, तुम्हारा बंदा हाजिर हो जाएगा। अरे मॉम, आज ऑफिस में मुझसे मिलने आई है क्या? हाँ, तुम्हें बधाई जो देनी थी। वो किस लिए? बहुत अच्छी चाल चली है तुमने, इस तरह तुम्हें कोई रिस्क उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप जो भी कहना चाहती हैं सीधे क्यों नहीं कहती? दुरुक को तुमने बड़ी चालाकी से अपने कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट का हेड डिजाइनर बनाया। तुमने अपने भाई को इसमें शामिल किया ताकि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो तुम्हारे अकेले की गलती ना कहलाई जाए। पर मैं अपने बेटे की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। मॉम, आप क्या कह रही हैं? मत कहो मुझे मॉम। तुमने कभी मुझे अपनी मॉम समझा ही नहीं है मुराद। शायद आप कभी मेरी मॉम बनना ही नहीं चाहती थी। तो आप बदतमीजी करोगे मेरे साथ? अगर आप शुरू से बातों पर गौर करें तो पता चलेगा कि कौन बदतमीजी कर रहा है। मुराद, मैं दोरुक से सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा उसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। हमें अलग करने की कोशिश कभी मत करना। इस प्रोजेक्ट के लिए एक डिजाइनर स्टूडियो की जरूरत है और मुझे सारते का सेकंड फ्लोर भी पूरा का पूरा खाली चाहिए। एक डिजाइनर स्टूडियो से ही नए-नए फैशंस क्रिएट होते हैं। जरा रुक जाओ बेटा, सांस तो ले लो। पहले ही तुमने हमारी छुट्टियां कैंसिल करवाकर हमें वापस बुला लिया है। अब कॉफी तो चैन से पीने दो, फिर बात करते हैं। लेकिन दोरुक सही कह रहा है सर, कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन स्टूडियो तो चाहिए ही। मतलब दोनों ही पूरे पागल हो। पागल? मैं इस कंपनी की छत के नीचे अब एक मिनट भी नहीं रुक सकती। क्या हुआ है देरिया? क्या हुआ है ब्यूटीफुल? किसने आपको गुस्सा दिला दिया? मुझे इसी वक्त यहाँ से ले चलो। हाँ, पर पहले बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझसे छुपाओगी क्या? बताइए मॉम, किसी ने कुछ किया है क्या? जाके अपने भाई से पूछ लो, वही तुम्हें बेहतर बता पाएगा। मैं अभी आता हूँ टुअल, मेरे बिना इनका कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझसे वेट नहीं हो पा रहा। अरे मेरे भाई, आप यहाँ उदास बैठे हो, क्या हो गया? हमारा झगड़ा हो गया। पर आप तो कभी झगड़ते नहीं है भाई। हाँ, पर बात बिगड़ गई। मॉम भी ना कभी कभी बेवजह ओवर रिएक्ट कर देती है। उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या, मुझे बताइए? मैं तुम्हारी मॉम की बातों का बुरा नहीं मानता। पर भाई, वो तो आपकी भी मॉम है ना। पर वो ऐसा नहीं मानती। कि आप क्या कह रहे हैं भाई, मॉम ने आपसे ऐसा क्या कह दिया? मुझे जानना है आप दोनों में क्या बात हुई है। छोड़ो ना दुरुक, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। भाई प्लीज, बात क्या है? मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम जानते हो ना ये बात। ये भी कोई कहने की बात है भाई। तो फिर कुछ मत पूछो। देखो कैरम, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ। मैं गहरे समंदर में हूँ और सांस नहीं ले पा रहा। देखो कैरम, पता नहीं कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती, तुम गलत समझते हो।
मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता। क्योंकि तुम मुझे हमेशा अनदेखा करती हो, ना कभी ठीक से देखा ना कभी सुना, बस इग्नोर कर देती हो मुझे। कैरम, ये सब प्लीज बंद करो, खुद को दर्द मत दो। मुझे फोन करना, मिठाई भेजना, मेरे रास्ते में आना, एमने आंटी और फाडिक आंटी से बेवजह मिलना, ये ठीक नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, माफ करना तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई। बात यह है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता। मुझसे दूर रहो कैरम, क्योंकि ये नामुमकिन है। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। मेरा दिल तो तब टूटा था जब तुम्हें पहली बार देखा था। मेरा दिल टूटा है क्योंकि इस दिल के पास तुम नहीं हो। हम कभी साथ नहीं हो सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि हम दिन और रात की तरह हैं। मैं ठंड हूं तो तुम गर्माहट हो, मैं मतलबी हूं और तुम्हारा दिल साफ है। दिन के बिना रात का क्या मतलब है पैक? ठंड के बिना गर्माहट का कोई मतलब नहीं। मुझे तुम्हारी हर कमी पूरी करने का मौका दो पैक। मैं हर कमी पूरी करना चाहता हूं, बस यही एक सलूशन है पैक। मुझे भूल जाओ कैरम, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरी मोहब्बत वक्त नहीं है जो बीत जाएगी, मुझे यकीन है। पता नहीं तुम कब समझोगी, 10 साल बाद, 20 साल बाद, या फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब तुम समझोगी। मेरी मोहब्बत वक्त की मोहताज नहीं है पैक। पैक, मुझे तुम्हारा हमदम बनने का एक मौका दे दो, मुझे तुम्हारी सांस बनने का मौका दो, तुम्हें जब भी जरूरत होगी मुझे वहां रहने दो। मुझे जानते भी नहीं हो तो मोहब्बत कैसे कर सकते हो? बकवास करने के लिए मैं ही मिली थी। नहीं नहीं पैक, तुम ऐसा मत कहो। ऐसा क्यों कहती हो? अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, हम दोनों हमारे बीच एक डील करते हैं। मुझे बस 1 महीना दो, 1 चांस दे दो बस, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। तुम्हें जानने दो, तुम्हें प्यार करने दो। 1 महीने बाद अगर तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम चाहे तो मेरी शक्ल भी मत देखना, लेकिन तुम भी वही महसूस करो जो मैं करता हूं तो हम हमेशा साथ रहेंगे, ये वादा है मेरा। बोलो इपेक, क्या ये मंजूर है तुम्हें? क्या एक मौका दे सकती हो मुझे? मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। दुनिया भी कितनी अजीब है ना, हम जिससे प्यार करते हैं वो हमसे प्यार नहीं करता, और हमें क्यों ऐसे ही लोगों से प्यार होता है जो हमसे प्यार नहीं करते। हाय, अब समझ आ रहा है कैरम को कैसा लगता है। चुप भी करो, मैं भी उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए सब कुछ भूलना चाहती हूँ। क्या जवाब दिया तुमने उसे? हाँ कहा, सिर्फ 1 महीने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। मैंने पहली बार किसी मर्द को प्यार के लिए खुशी से रोते हुए देखा है हयात, बहुत ही अजीब बात थी। असल को बताया या नहीं? वो तो शॉक्ड हो जाएगी, खुशी से नाचेगी वो। नहीं बताना मुझे उसे, उसे अभी भी गुस्सा हूँ, बेमतलब कैरम की वकालत करती रहती है। उसे ऐसे ही वहाँ तड़पते रहने दो, मैं उसे खुश होने का मौका कभी नहीं दूंगी, देखना। दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत बस एक ही मॉम है, और वो है मेरी मॉम। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि तुम्हारी एक मॉम भी है। क्या तुम भी मॉम? मैं भाई के साथ था क्योंकि आप बाबा के साथ थी। क्या हुआ मुराद को? हाँ, वो मुझसे ज्यादा प्यारा जो है। उसने अभी बताया ना देरिया,
हम साथ थे इसीलिए वो वहाँ पे था। उसके भाई ने मुझसे क्या कहा ये जानने के बाद वो ऐसी बात नहीं करेगा। कोई मुझे बताएगा आखिर हुआ क्या है? देरिया और मुराद के बीच कहा सुनी हो गई, कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा तो मैं यूं ही कुछ भी कह रही हूँ। प्लीज अब बस भी करो मॉम, अब जानती नहीं भाई आपसे ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि वो गिल्टी है। क्योंकि शायद आपने उनसे कहा कि आप उनकी मॉम नहीं है। लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि उसने मुझसे क्या कहा? मुराद कभी बदतमीजी नहीं कर सकता, मुझे पता है कितना तमीजदार बच्चा है मेरा पोता। आपकी नजर में तो हमेशा मैं ही गलत होती हूँ। मैं तुमसे भी बहुत नाराज हूँ, हमेशा मुझसे ज्यादा अपने बेटे को ही अहमियत देते हो तुम। एक बिन माँ के बच्चे को वो ऐसा कह कैसे सकती है? वो गुस्से में, उनका वो मतलब नहीं होगा। दादी मैं उनसे बात कर लूंगा, फिर मुझे भाई से भी बात करनी है। कैरम बताओ कौन सा वाला? मैं समझा नहीं। हैप्पी वाला कैरम, आशिक कैरम, दीवाना कैरम? सबसे पहले मुझे मुबारकबाद तो दो। कम से कम हम में से कोई तो खुश है। कोई बहाना नहीं, हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो चलो सेलिब्रेट करते। ये सारे हमारे राज हैं आंटी, मैं ये सब आपको नहीं बताना चाहती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मैंने आज तक आपको कैरम से कभी क्यों नहीं मिलवाया? क्यों बेटा? आपको उस आदमी से बचाने के लिए। कैरम एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। क्योंकि वो बहुत हैंडसम है इसलिए इसलिए हयात को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा, है ना? सही कहा। मैं चाहकर भी उसे आपसे नहीं मिलवा सकती, वो जेल भी जा चुका है। क्या कह रही हो? वो एक वांटेड मुजरिम है। क्या सच में? उसके 3 नाजायज बच्चे भी हैं। नहीं नहीं। और मैं सोचने लगी थी कि मेरे बाबू का भी शहजादा मिल गया है। पैनिक अटैक, अल्कोहलिक, उसका स्क्रू भी थोड़ा ढीला है, 1 नंबर का झूठा है। शायद उसकी मूछें भी नकली है, वो दिखता है उतना हैंडसम नहीं है। उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ने की कई बार कोशिश की आंटी, इतने सालों की आदतें आसानी से थोड़ी जाएंगी। बेचारे ने हार नहीं मानी, हाल ही में उसने अपनी ट्रीटमेंट फिर से शुरू की है। नकली मूछें भी कोई लगाता है क्या? वो मेरा कजिन है लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे उसके लिए सोचना ही होगा। लेकिन मैं हयात को बर्बाद नहीं कर सकती। थैंक यू बेक। और मैं आपको भी फंसा नहीं सकती। मुझे समझना चाहिए था, वो कुछ ज्यादा ही अच्छा और सच्चा बन रहा था। फादिक, शादी का हॉल कैंसिल कर दो। और शादी के कार्ड छपने दिए थे उन्हें भी कैंसिल कर दो। हाँ कर दूंगी दीदी। लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के नाम। और तुम्हारे नाम? हाँ, प्रॉब्लम और मेरा नाम अक्सर साथ ही आते हैं। इपेक और हयात बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुम जानते हो। तुम्हारा इशारा मैं कुछ समझा नहीं।
वैसे भी शायद तुम्हें पता नहीं है, हयात की जिंदगी में कोई और है करीम। ये क्या कह रहे हो? मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों एक साथ कपल स्टेट पर जाएंगे। हमारा बस प्रोफेशनल रिलेशनशिप है करीम, उसके अलावा और कुछ नहीं। ओहो, कितने जालिम हो दोनों, मेरे बगैर शुरू हो गए। जनाब आपको गर्लफ्रेंड मिल गई, बस उसी का जश्न मना रहे हैं। वाह, बहुत मुबारक हो, वो तुम्हें बर्बाद कर दे। हाँ शुक्रिया। आ जाओ दुरुक, लगता है रात बहुत लंबी होने वाली है। पता नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। ऊपर वाले, कैसी दुनिया है, कैसा आदमी निकला ये, कितने बड़े बड़े झूठ कहे उसने हमसे। ठीक से करो लड़कियों, ठीक से करो, पहले ही सब बर्बाद है। हयात बेटा, उन फलों के टुकड़े करके रखो, मेरे दिल के तो पहले ही टुकड़े हो चुके हैं। ये सब उस कैरम की वजह से हुआ है। मैंने क्या क्या सपने देखे थे उस झूठे के बारे में। इनको इस हालत में देख के बहुत मजा आ रहा है ना। अब देखना ये जल्दी केक बनाने वाली है हमारे लिए। हेलो, तो बताओ क्या कर रहे हो आप सब लोग? बस कुछ खास नहीं कर रहे। एमिने आंटी और फादिक आंटी का उस जालिम कैरम ने दिल तोड़ दिया है, तो क्या करें, वो खाना बना रही हैं और हम उन दोनों की मदद कर रहे हैं। अरे यार, क्या पका रही हैं दोनों? सॉरी, नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है। बता दो बता दो, ये उसकी भी बहुत फेवरेट डिश है, बता दो। मैं बताती हूँ, ये ऑरेंज से शुरू होता है और केक में खत्म होता है। बदमाश है पैक, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं ऑरेंज केक के लिए कत्ल भी कर सकती हूँ। उदास मत होना, एमिने आंटी के होते हुए तुम्हें कत्ल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल बेटा, थोड़ा इंतजार करो, मुझे पहले शरबत बनाने दो, फिर मैं किसी के हाथों तुम्हारे लिए भिजवाती हूँ, फिर मजे से बैठकर खाना। हाँ, I love you, एमिने आंटी, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकती हूँ। हाँ बेटा, बताती हूँ बताती हूँ। बस अपनी आंखें खोलकर आसपास 30 साल के करीब उम्र वाले डॉक्टर को देखना शुरू कर दो, बस थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। मॉम, आप ये सब नहीं करेंगी, कहा था ना आपने। मुझे नहीं पता था तुमने रिश्ते बनाने में डिग्री हासिल की हुई है। मैंने वो इसलिए किया क्योंकि मैं कम्युनिकेशन में अच्छा था, फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया और मैंने अपना मास्टर्स लॉजिस्टिक्स में किया। ये बहुत ही अजीब है, दोनों सब्जेक्ट्स में कोई रिलेशन है ही नहीं। उसे अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स कंपनी खोलने दी। इसीलिए मिलिट्री में तुम दोनों की दोस्ती हो गई है ना। और नहीं तो क्या, क्या लगता है मैं ऑफिसर कैसे बना? मैं जरा ये कॉल लेकर अभी आया। ठीक है, अब तुम समझे। ये बताओ, तुम लोग आर्मी में बंदूकें? हेलो मिस्टर शकवे। हेलो मिस्टर मुराद, टुवाल को जो नाम चाहिए था वो मैंने ढूंढ लिया है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। कोई बात नहीं, अगर टुवाल मुझसे कोई फेवर मांगे तो मैं मना नहीं कर सकता। मैगजीन डिपार्टमेंट में किसी शेंक एक्यू नाम के बंदे ने ये फोटोज भेजे थे। शेंक? हाँ, शायद वो कोई फोटो मॉडल है अभी, और उसने कुछ समय पहले सार्थे के लिए भी काम किया है। शुक्रिया मिस्टर शकवे। यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर मुराद। बोलिए मुराद सर। शेंक आक्यू नाम का आदमी कहाँ पर है ये पता करो, मुझे मालूम पड़ा है वो हमारे लिए काम कर चुका है। लेकिन मुझे कैसे पता होगा सर? जो कहा वो करो। तुमसे बात करनी है, यहां आकर बैठ जाओ। देखिए, मैं बहुत थक चुकी हूँ, फिर कभी सोने जा रही हूँ। मैंने कहा बैठ जाओ। कहिए। तुमने पहले कभी मुझे एक सास की तरह हुक्म चलाते हुए देखा है?
ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। तुमने कभी बुरी सास नहीं देखी, लेकिन अगर तुम अपना रवैया नहीं बदलोगी तो इसके आगे जरूर देखूंगी। पर मैंने कुछ मैं किया है। इस घर में सबसे उम्रदराज हूँ, लेकिन अब तक मरी नहीं हूँ मैं। क्या कहना चाहती हैं? कल रात तुमने दोरुख से जो कहा मैंने सुना। मैं जानती हूँ तुम क्या चाहती हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें उन दोनों भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बनाने नहीं दूंगी। मैं एक ऐसी दादी हूँ जो सिर्फ अपने पोते की खुशी चाहती है, इसीलिए मैंने अब तक निजात से कुछ भी नहीं कहा देरिया, लेकिन मैं हमेशा चुप रहूंगी ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि मेरे दोनों पोतों की खुशियाँ मुझे अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अजीज है। उम्मीद है तुम बात समझ गई होगी। अगर फिर कभी मैंने तुम्हें ऐसी बकवास करते हुए सुना तो मैं कोई परवाह किए बिना निजात को जाकर बता दूंगी। इसका ख्याल रखना। Laftan anlar mı? Tesadüflere inanır mı?